हेलो फ्रेंड्स, अभी पूरा विश्व इस कोविड-19 नामक महामारी से परेशान है। हमारे छात्र भी परेशान हैं, शिक्षक भी परेशान हैं, छात्रों के पेरेंट्स भी परेशान हैं। हम शिक्षक लोग घर में बैठे बैठे ऊब जाते हैं। छात्र के बिना शिक्षक तो उबेगा ही, इसलिए मैंने ये विचार किया है कि इस महामारी के दौर में मैं अपने छात्रों के लिए कुछ ऑनलाइन क्लासेस ऑर्गेनाइज करूं और साथ ही साथ कुछ वीडियोस बनाऊं और उसको यूट्यूब पर अपलोड कर दूं, फेसबुक पर अपलोड कर दूं, जहां से तुम लोग आसानी से इस वीडियोज को एक्सेस कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इस वीडियो को देखते समय वीडियो को स्लो कर दिया जाना चाहिए और धीरे धीरे सुनना चाहिए। जो भी मैं बोर्ड पर लिखूंगा वो देखना चाहिए, हो सके तो उससे नोट डाउन भी करना चाहिए, और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो पॉज करके फिर से उसको रिप्ले करना चाहिए। अगर इस वीडियो से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना हो, कहीं कुछ कन्फ्यूजन रह जाए, तो उसे तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी बुक से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में आए हुए क्वेश्चंस को अगर पूछना हो तो उस क्वेश्चंस को क्लिक करके, उसको स्कैन करके इसके कमेंट बॉक्स में दिया जा सकता है। तो आज मैं क्लास 12 CBSE के बच्चों के लिए हिंदी एवं इंग्लिश मिक्स्ड फॉर्म में पहले क्लास की शुरुआत करता हूँ। 12 क्लास में जो सिलेबस है उसकी पहले मैं चर्चा करूँगा, उसके बाद उस सिलेबस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ CBSE सिलेबस विच इज रिकमेंडेड फॉर 19-20-21 सेशन। फिजिक्स में CBSE के स्टूडेंट्स के लिए जो AISSCE एग्जामिनेशन होता है उसमें दो पेपर होते हैं, टू पेपर्स। फर्स्ट पेपर थ्योरी पेपर्स, थ्योरी 70 मार्क्स का होता है, और जो सेकेंड पेपर होता है ये होता है प्रैक्टिकल, ये 30 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी हम थ्योरी की बात करते हैं। इस थ्योरी में CBSE ने फिजिक्स के सिलेबस को कुछ यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है और उस डिफरेंट यूनिट्स को हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में फिर टॉपिक सब टॉपिक्स में बांट करके पढ़ते हैं। तो जो थ्योरी पेपर है, थ्योरी पेपर में जो यूनिट्स हैं हम लोग पहले उसकी बात कर लें। थ्योरी इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यूनिट 2 में पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड दीज टू यूनिट्स हैव अ वेटेज ऑफ 16 मार्क्स।
means 16 marks questions will be asked from these two units. Unit 1 electrostatics and unit 2 current electricity. Now unit 3. In unit 3 we have magnetic effect of current and magnetism. And unit 4 has electromagnetic induction and alternating current. These two units have a weightage of 17 marks. 17 marks questions are asked from these two units. After then, unit 5 is electromagnetic waves. Dear students, you learnt about mechanical waves and here you have to learn about electromagnetic waves in detail. Unit 6 is related to optics and these two units have weightage of 18 marks. Unit 7 is dual nature of matter and radiations. Unit 8 is related to atoms and nuclei. These two units contributes 12 marks to the board exam paper. And unit 9 is the last unit, which is electronic devices. This is of 7 marks. Total 70 marks. अगर तुम लोग चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो. हाँ, तो अब तुम लोगों ने सिलेबस या टॉपिक वाइज वेटेज को नोट डाउन कर लिया होगा. अब हम लोग आगे के सिलेबस की बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं. तो सबसे जो पहला यूनिट है हम लोगों के लिए यूनिट 1, इसकी बात आज हम लोग करेंगे. इन यूनिट 1 वी हैव टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो व्हेनेवर वी स्टार्ट लर्निंग अ टॉपिक, a subject, it has some specified name and name is somehow related to the topic. We can understand so many things just by knowing the meaning of the name. So let us discuss about the meaning of this electrostatics, that what does electrostatics mean. This word electrostatics consists of two different words. One is electron and other is static.
दिस वर्ड इलेक्ट्रम इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाउ इट इज रिटन एज इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू चार्ज बिकॉज वी नो वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एंड एटम्स हैव थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाई इनसाइड द न्यूक्लियस. वी नो न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल. प्रोटोन इज ऑल्सो ऑफ दैट काइंड एंड इलेक्ट्रॉन इज द लाइट मोस्ट पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूटिंग एन एटम. यू ऑल्सो नो दैट प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैनॉट पार्टिसिपेट इन एनी केमिकल एक्टिविटी और एनी फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली. मीन्स प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑलवेज रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस. मीन्स नंबर ऑफ प्रोटोन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज फिक्स्ड प्रोवाइडेड देयर इज नो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन. सो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स कैन लीव द एटम. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन टू एटम्स. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम. इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एक्सचेंज्ड बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज. सो व्हेनेवर द इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्टर्ब्ड एंड विद द डिस्टर्बेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम विल गेट अफेक्टेड एंड एटम विल नॉट रिमेन न्यूट्रल. सो अ बॉडी इज सपोज टू बी चार्ज्ड ओनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सपोज अ बॉडी लूजेज इलेक्ट्रॉन्स मीन्स देयर विल बी फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज बट देयर विल बी डेफिशिएंसी इन नेगेटिव चार्ज ड्यू टू लॉस इन द इलेक्ट्रॉन्स. इफ अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स देयर विल बी फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द फिक्स्ड प्रोटॉन्स एंड देयर विल बी एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन्स. सो अ बॉडी इज सेड टू बी चार्ज्ड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर अ बॉडी टू मेक चार्ज. सो दिस इलेक्ट्रॉन वर्ड रिप्रेजेंट्स चार्ज हियर एंड दिस स्टैटिक मीन्स रेस्ट. नाउ चार्ज कैन बी एट रेस्ट. Charge can be in motion. We can discuss charge in context with the water. Water can be flowing. Water can be at rest. If we are talking about water in a pond, it is still water. If we are talking about the water in the river, it is flowing water. In the same way, this charge can flow. Charge can be in motion under certain circumstances. Charge can also be at rest. You learned that rest and motion are relative terms. So if a charge is at rest in a frame of reference, it can be in motion in other frame of reference. But if we are studying charge in the frame of reference in which it is supposed to be at rest, that study is called electrostatics and that is also called static charge, static electricity. If charge is flowing and we study
द चार्ज इन द फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टू विच इट इज इन मोशन देन दैट इज सेड टू बी करेंट इलेक्ट्रिसिटी. हियर वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओनली. इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट्स. अनदर थिंग इज दैट इन द प्रीवियस क्लासेस यू लर्नड दैट चार्ज कैन बी डेवलप्ड मीन्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन टेक प्लेस व्हेनेवर यू रब टू बॉडीज विथ ईच अदर. मीन्स व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड विथ ईच अदर देन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी with lower work function gets transferred to the body with higher work function. So charging is observed due to rubbing. Rubbing is also called as friction. So this charge is developed by rubbing, means due to friction. So this static electricity is also called frictional electricity. Frictional electricity. Electrostatics, static electricity and frictional electricity. I think you understand these three. Now you learnt about electrostatics, meaning of electrostatics, and you know what we will learn in this section. Electrostatics means electric charges, its their properties and different types of effects caused by the electric charges at rest. These will be discussed in detail in this chapter. So you have a word charge. Now you have to learn what the charge means. Electric charge. Electric charge. Let us take an example. Whenever you are with your friends and suppose one of your friend starts teasing your other friend, what will happen? The boy, the girl who is teased by one of your friends will become angry. Then what will happen? You will say that he, she has become charged. Do you call like that? He, she has become charged. Yes, definitely you will be calling like that. Now he is charged. She is charged. Take another example. What happens when one of your friends starts praising your other friend? That friend, that boy or girl who is getting praised by his or her friends becomes happy. And what you tell? You say that she, he has become charged. And what will they do whenever they will become charged? In first case, when a boy or girl will become angry, he, she can start fighting, can start abusing. In other case, he, she can offer you treat. So both the situations, whether the boy becomes angry and start abusing, start fighting with you, and the case in which he, she is offering you a treat, he, she is not normal. He is not in the normal case, normal situation. He is in abnormal situation. Abnormal situation means she or he has become disturbed. So disturbance shows charge. Disturbance shows charge. Means if a body is not behaving normally, is not behaving like a normal body,
it is said to be a charged body. If a body is charged, the body can attract the other body. The body can repel the other body. Attraction and repulsion between the two bodies will depend upon some other situations. But the charged body will start attracting or repelling the others. So we can understand electric charge as the intrinsic property of a body. Why is it called intrinsic property? Intrinsic property means the property, the character, which is internally connected with the body. Just like everyone can laugh, everyone can be happy, everyone can be angry, everyone can fight. In the same way, everybody has some internally connected properties, behaviors, which will be shown in different situations. So a charge is connected internally in a body in the form of electrons and protons. And whenever number of electrons will be disturbed, the body gets charged. So charge is said to be an intrinsic property. Intrinsic property of a body. And what happens when this intrinsic property develops? The body can attract or repel the other one. So electric charge is an intrinsic property of a body, which when develops by any means, the body becomes abnormal and it can attract or repel the other bodies. Is it clear? So let us conclude with this definition of charge today, and we will proceed with the syllabus in the next video. Thank you.